बोल रहा हूँ। तो आज हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो हमारा नर्सरी अभी देख सकते हो सर, ये अलाउद्दीन नर्सरी पे कौन सी चीज़ मिलती है, किस वैरायटी की चीज़ मिलती है, उसका जितना वैरायटी है सब वैरायटी अलाउद्दीन नर्सरी का जो वीडियो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसमें से पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है। कौन सी वैरायटी हमारा नर्सरी पर मौजूद है अभी और फिलहाल कौन सी वैरायटी हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए आ चुका हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अब वीडियो पूरा लास्ट टाइम देखेंगे, ठीक है सर। हमने फास्ट जो वीडियो अभी बना रहा हूँ ये आपका चाइना वॉरेंस, ठीक है, फास्ट वीडियो बना रहा हूँ नर्सरी पे जो है फास्ट चाइना वॉरेंस की वैरायटी है, सब ग्राफ्टेड प्लांट है और ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है चाइना वॉरेंस की, जो ऑल ओवर इंडिया पे इसका बहुत ही अच्छा खेती हो रहा है, ठीक है। और सर दूसरा जो वैरायटी में अभी वीडियो बना रहा हूँ ये आपका माल्टा मौसम भी है, जो स्वीट माल्टा बोल के जाना जाती है, इस प्लांट का मैं उठा रहा हूँ, ये सब बड़ा पैकेट में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। स्वीट माल्टा इस वैरायटी का नाम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा नर्सरी पे अभी फिलहाल मौजूद है, ठीक है। अगर कोई किसान भाई ने स्वीट माल्टा प्लांट चाहिए तो अलाउद्दीन नर्सरी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये जो वैरायटी है ये आपका सदाबहार कागजी लेम्बू है, जो आप देख सकते हो पैकेट पर शिफ्ट हुआ है, हार प्लांट में फ्रूटिंग आ चुकी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और ये साल में 2-3 बार सदाबहार कागजी लेम्बू में फ्रूटिंग आती है, यहाँ पर देख लो फ्लोरिंग की बहुत ही बढ़िया फ्लोरिंग भी आ चुकी है, हर जगह पे फ्लोरिंग फ्रूटिंग सब जगह पे मौजूद है, ठीक है। कागजी लेम्बू जो खट्टे होती है। और सर जी ये जो वैरायटी देख रही है आपका सुपर भगवा अनार है, ठीक है, जो कि आज का डेट में बहुत ही बढ़िया है, सुपर भगवा अनार है, जो देख सकते हो ये भी गुट्टी का पौधे है, गुट्टी से इसका इस पौधे का तैयार हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्लेजिंग भी आप देख सकते हो वीडियो पर, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, ठीक है। और ये जो वैरायटी है आपका चेरी है, चेरी फ्रूट है, जो चेरी फल जो छोटा छोटा होती है बहुत ही बढ़िया खाने में टेस्टिंग रहती है, ठीक है, और ये बड़ा पैकेट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और देख लो सर ये काफ़ी बड़ा बड़ा प्लांट है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है चेरी का, ठीक है, इसका पत्ते देख लो कितना अच्छा है और इसका ग्रोथिंग भी बहुत ही फास्ट है। और ये जो वैरायटी है ऑल टाइम जैकफ्रूट है, ठीक है, जो मैं उठा रहा हूँ देख लो सर, ऑल टाइम जैकफ्रूट की इसका क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, ऑल टाइम जैकफ्रूट भी नर्सरी पे मौजूद है, ठीक है। अगर कोई किसान भाई ने ऑल टाइम जैकफ्रूट की कमर्शियली खेती होती है, इसका खेती करना चाहती हो तो अलाउड नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे पास ऑल टाइम जैकफ्रूट की प्लांट अवेलेबल है, ठीक है। ये जो वैरायटी देख रहा है ये आपका वाटर एप्पल है, जो वाटर एप्पल थाई वाटर एप्पल रेड है, ठीक है, ये भी गुट्टी से तैयार होती है इसका प्लांट, बहुत ही बढ़िया प्लांट है, अगर कोई किसान भाई ने ये भी लगा सकती हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है वाटर एप्पल की। ये जो जैकफ्रूट है ये रेड जैकफ्रूट है, इसका पत्ता देख लो, इसका पत्ता जो ऑल टाइम जैकफ्रूट की तरह अलग है, इसका पत्ता बहुत छोटा छोटा होती है और पत्ते भर जाते हैं, ठीक है, जो ऑल टाइम की पत्ती थोड़ा सा बड़ा बड़ा आती है, ठीक है सर। ये आपका रेड जैकफ्रूट है, जो जैकफ्रूट के अंदर में पूरा रेड होती है, खाने में बहुत ही अच्छा रहती है, ठीक है। और सर जी ये जो प्लांट है चिक्कू का एक वैरायटी है, जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है चिक्कू का, चिक्कू का नाम है कालापाती चिक्कू है, जो देख लग रहे सर बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, देख लो सर हर प्लांट की इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हो सर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और एक जोर से तैयार होती है, सब देख लो ग्राफ्टेड हुआ है नीचे पे और इसका क्वालिटी भी देख लो। और यहाँ पर नज़र में आएंगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग भी आ गया है, कलापाती चिक्कू में फर्स्ट टाइम से फ्लोरिंग स्टार्टिंग होती है, फ्रूटिंग स्टार्टिंग होती है, ठीक है सर।
और सर ये आपका थाई ब्लैक जामुन जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही बढ़िया वैरायटी है अभी ब्लैक जामुन की। ये भी कितना अच्छा क्वालिटी का वैरायटी है, प्लांट है, आप देख सकते हो। ये भी अलाउड नर्सरी पे प्रोवाइड होती है। ये भी कमर्शियल थाई ब्लैक जामुन कमर्शियली खेती हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। हमें प्लांट हाथ से उठा रहा हूँ, ये देख लो सर, इसका क्वालिटी देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है। हर प्लांट की अलाउड नर्सरी से जो प्लांट प्रोवाइड होती है, सब प्लांट की पौधे की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर लीची है, तो इसका क्वालिटी देख लो सर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है मुजफ्फरपुर लीची का, ठीक है। अगर कोई किसान भाई ने मुजफ्फरपुर लीची की खेती करना चाहते हो तो अलाउड नर्सरी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो गोबा देख रहा है ये रेड गोबा है जो कि काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, आप देख सकते हो पूरा रेड गोबा है। इसका एक खासियत है, इसका पत्ते भी रेड होती है, इसका फूटिंग भी रेड होती है, इसका फ्लोरिंग भी रेड है, पूरा रेड रेड होती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे एक वैरायटी है, ठीक है। एक घर के लिए एक दो प्लांट कोई किसान भाई ने मंगाते तो हम लोग यहाँ से भेज देता हूँ, ठीक है। घर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और उस साइड पर भी हम दिखा रहा हूँ, ये आपका ब्लैक स्टोन मैंगो है जो ये भी ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। ये ब्लैक स्टोन मैंगो है जो इसका जोर से प्लांट तैयार हुआ है, हम दिखा रहा हूँ एक प्लांट। हाँ ये देख लो सर, कितना अच्छा क्वालिटीफुल वैरायटी है ब्लैक स्टोन मैंगो की। इस मैंगो की कोई किसान भाई ने इस मैंगो भी चाहिए तो हमारे पास मिल जाएंगे, अवेलेबल इस मैंगो प्लांट भी है, ठीक है। और सर जी ये जो प्लांट देख रहे हैं एक मौसम्बी का है जो मिसोर यूलो माल्टा, हाँ जिसका वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे है, शायद इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, फ्रूटिंग का वीडियो बहुत ही बढ़िया है। और काफ़ी ज़्यादा मिसोरी योलो माल्टा प्लांट हमारा नर्सरी पे मौजूद है। अगर कोई किसान भाई ने मिसोरी योलो माल्टा लेना चाहती हो तो वह भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिसोरी योलो माल्टा ये आपका बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इलाहाबाद अमरूद है जो कि साइज छोटा छोटा आती है, ठीक है, अमरूद का, और खाने में बहुत ही मीठा होती है और पूरा सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन इसका फूटिंग के साइज छोटा छोटा रहते हैं। जो वेन और अमरूद का साइज बड़ा होती है ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, मीडियम साइज का होती है, लेकिन इसका मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो अमरूद देख रहे हैं आपका वेन और बी है जो कि प्लांट देख सकते हो बहुत ही लंबा तरह है और बहुत ही हाइट में भी काफ़ी बड़ा है। ये आपका वी एन आर वी ही प्लांट है जो कि बहुत ही बढ़िया एक वैरायटी है, इंडिया का नंबर वन क्वालिटी का वैरायटी है अमरूद की, वी एन आर वी है जो उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा होती है इस प्रोटीन का। और सर ये जो प्लांट देख रहे हैं ये आपका अमलोकी का एक वैरायटी है जो रेड वैरायटी है, इस अमलोकी का प्रोटीन रेड होती है, ठीक है। इसका पेड़ भी रेड होती है पूरा, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है अमलोकी का, ठीक है। और सर जी एप्पल में भी जो जो वैरायटी हमारे अल्डन नर्सरी के पास मिलती है वो दिखा दे रहा हूँ। ये जो वैरायटी देख रहा है ये आपका बालसुंदरी रेड एप्पल बेर है, ठीक है। जो वैरायटी प्लांट की क्वालिटी भी देख सकते हो सर, काफ़ी बड़ा बड़ा बढ़िया क्वालिटी का प्लांट है। तो ये जो वैरायटी है आपका बालसुंदरी रेड एप्पल बेर है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और नर्सरी पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल भी है बालसुंदरी रेड एप्पल बेर, ठीक है। ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है ये आपका कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, जो प्लांट की क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के प्लांट है कश्मीरी रेड एप्पल बेर की, ठीक है। इसका भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है कश्मीरी बेर का, क्योंकि इसका कलर आती है फ्रूटिंग की कलर रेड कलर की आती है और खाने में बहुत ही मीठा होती है, बहुत ही गुच्छे भर के फ्रूटिंग आती है। ये कमर्शियली ऑल ओवर इंडिया पे इसका कश्मीरी बेर का खेती हो रहा है। अगर कोई किसान भाई ने एप्पल बेर की खेती करना चाहती हो तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये आपका मिस इंडिया बेर है, ठीक है, जो कि मिस इंडिया एप्पल बेर भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और मिस इंडिया बेर की इसकी खासियत है इसका कलर हो जो आती है पूरा रेड कलर आती है, खाने में बहुत ही मीठा होती है और इसका गुच्छे भर के फ्रूटिंग लगती है, ठीक है। और जो कश्मीरी एप्पल बेर बहुत सुंदर एप्पल में थोड़ा देरी में हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन मिस इंडिया बेर फास्ट हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मिस इंडिया रेड एप्पल बेर, ठीक है सर। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो नारियल का पेड़ देते हैं
कोकोनट का, एक गंगावर्धन कोकोनट है जो कि बहुत ही बढ़िया है और कम उम्र से गंगावर्धन कोकोनट में फ्रूटिंग आती है, ठीक है। और ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गंगावर्धन की प्लांट है। और ये जो प्लांट सर देख रहे हैं, आपका ड्रैगन फ्रूट है जो रेड ड्रैगन है, और ड्रैगन फ्रूट का क्वालिटी भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है ड्रैगन फ्रूट का जो अलाउद्दीन नर्सरी पे है, ठीक है। और हम एक उठा के दिखा रहा हूँ, ये देख लो सर, हाँ इसका क्वालिटी देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। मतलब फ्रूटिंग की मैक्सिमम वैरायटी अलाउद्दीन नर्सरी से मिल ही जाएंगे आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लांट देख रहे हैं, मीठा इमली का प्लांट है जो खट्टे वाला नहीं है, इसका फ्रूटिंग मीठा होती है और प्लांट की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा है, ठीक है। ये भी प्लांट अवेलेबल है नर्सरी पे, मीठा इमली प्लांट, ठीक है सर। और सर मैंगो की जो वैरायटी आप दिखा रहा हूँ, ये आपका बनाना मैंगो है जो बिल्कुल केले की तरह होती है। बनाना मैंगो भी काफ़ी बढ़िया एक वैरायटी है जो लंबा तरह होती है देखने में और खाने में बहुत ही मीठा जाती है। और ये देख लो हर प्लांट में सब यहाँ पर देख सकते हो सर, छोटा छोटा प्लांट है, फ्लोरिंग आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है बनाना मैंगो मैंगो की। और यहाँ पर जो वैरायटी है ये आपका स्वीट काठीमोनी मैंगो है जो 12 महीना फ्रूटिंग होती है मैंगो की। और इस फ्रूटिंग की खासियत है, जो ऑल टाइम मैंगो में फ्रूटिंग आती है 12 महीना ऑल टाइम मैंगो में फ्रूटिंग होती है, वो मैंगो खट्टे होती है, लेकिन ये वाला खट्टे नहीं होती है, पूरा मीठा जो होती है, ठीक है। 12 महीना फ्रूटिंग रहती है इसका, फ्रूटिंग की बहुत ही मीठा होती है खाने में, ये मैच्योर होने के बाद भी मीठा रहती है, कांचे पे भी खाओ तो भी मीठा रहती है, ठीक है। ये वाला जो मैंगो हम दिखा रहा हूँ ये आपका ऑल टाइम मैंगो है जो खट्टे के काम पर आती है, ये बिल्कुल खट्टे होती है और ये 12 महीने होती है इस मैंगो की फ्रूटिंग, ठीक है। आप गौर कीजिएगा सर, यहाँ पर देख लो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिंग भी आ चुका है, छोटा छोटा प्लांट है, ठीक है, छोटा छोटा प्लांट में सब फ्लोरिंग आ चुकी है। और यहाँ पर जो प्लांट देख रहे हो ये तेज पत्ते है जो मसाला पत्ते बोल के जाना जाती है, जो खाने के जो सब्जियाँ बनती है उसमें से इसका काम आती है, इसका पत्ते का, क्योंकि इसका पत्ते में बहुत ही सेंट रहती है, ये सेंट काम पर आती है, ठीक है। और अलाउद्दीन नर्सरी का अभी बहुत सारा प्लांट की वीडियो हम इस वीडियो पर नहीं दे पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा की पूरा नर्सरी का जितना वैरायटी है, सब वैरायटी जो जो वैरायटी गैप गया है जो नहीं दे पाए हैं इस वीडियो में, वो अगले वीडियो में इस वैरायटी में हम वीडियो भेज देंगे, वीडियो बना के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हम छोड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए इंडिया का लाखों किसान भाइयों का अलाउद्दीन नर्सरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और कोई किसान भाइयों का कुछ प्लांट की ज़रूरत है तो प्लांट चाहिए, कमर्शियली खेती करना चाहती हो, नहीं तो आपका घर के लगाने के लिए भी चाहती हो, तो हम एक दो प्लांट भी कुरियर के माध्यम से भेज देता हूँ। अगर ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे तो हम लोग बाय ट्रेन से माध्यम से प्लांट भेज दूँगा आपका पास। वीडियो देखने के लिए इंडिया का लाखों किसान भाइयों का अलाउद्दीन नर्सरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।